विशेष रूप से मेरा परिवार भाजपा परिवार, ये कार्यक्रम शायद आपने बहुत अच्छी तरीके से जीतू बना, आप लोगों ने, मोदी जी आप लोगों ने अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है भाई जी आप लोगों ने किया, और उसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कही, उसको भी अब वो भारत के मन की बात बन गई। कांग्रेस के लोग उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि जैसा मेरे से पहले के वक्ताओं ने कहा कि किसान और युवा को मुझे अच्छी तरह ध्यान है, माननीय सचिन पायलट जी पीसीसी चीफ पहले भी थे आज भी हैं, उन्होंने हर अपने ब्लॉक पर, अपने मंडल है उनके पास ब्लॉक, उन ब्लॉक में फार्म दे दिए कि जो युवा 18 साल का हो गया और वो ग्रेजुएट है या वो पढ़ा लिखा है तो उसको हम 3,500 रुपये देंगे, और उन्होंने लगभग इस राजस्थान में 1 करोड़ फार्म उन्होंने भरवाए और लोगों को भ्रमित करने का काम उन्होंने किया। आज हम लगभग इतने लोगों को तो हम ही दे रहे थे, बेरोजगारी भत्ता हम भी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हम 1 मार्च से 3,500 रुपये देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये सरकार कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, लेकिन ये सरकार रेंग रेंग के चरने वाली सरकार होगी। और मैं आपको कह रहा हूं, इस राजस्थान के इतिहास में यह पहली सरकार है जो सरकार जिसका सौदा दिल्ली में राहुल गांधी के घर में बैठ करके कि इतने मंत्री तेरे, इतने मंत्री मेरे, और ये विभाग तेरे मंत्रियों के पास, ये विभाग मेरे मंत्रियों के पास। हमने परिवारों में भी झगड़े देखे हैं, समाजों में भी झगड़े देखे हैं, लोगों में भी झगड़े देखे हैं, लेकिन जब जो लोग जिनके हाथ में जनता की सेवा करने का अवसर हो और जनता की सेवा करने का मौका हो, अगर वो वर्टिकल डिवीजन यानी खड़ा सीधा का सीधा बंटवारा हो जाए, वो सरकार नहीं चल सकती।